साईं राम। शिरडी में प्रतिदिन हजारों श्रद्धालु आते हैं और कभी कभी यह संख्या लाखों में भी पहुंच जाती है। आने वाले भक्तगण अपनी श्रद्धा अनुसार बाबा को दान दक्षिणा उपहार भेंट करते हैं। वहीं कुछ भक्तगण समाज हित मानव सेवा के तहत दान करते हैं। कल 14 मई 2024 को माइलान लैबोरेटरीज द्वारा अत्याधुनिक 2 एक्सरे मशीन, श्री साईं बाबा संस्थान ट्रस्ट शिरडी द्वारा संचालित श्री साईं बाबा हॉस्पिटल व श्री साईनाथ हॉस्पिटल के एक्सरे विभाग को भेंट की, जिनकी कीमत करीब 1,15,00,000 रुपए बताई गई। दोनों अस्पतालों में लगी मशीनों की पूजा अर्चना श्री साईं बाबा संस्थान ट्रस्ट के मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री गोरक्ष गाडिलकर, माइलान लैबोरेटरीज के अध्यक्ष श्री राजीव मलिक और उनकी धर्मपत्नी श्रीमती सीमा मलिक ने की। इस अवसर पर माइलान लैबोरेटरीज के मैनेजर श्री जितेंद्र खैरे, श्री साईं बाबा अस्पताल के मेडिकल डायरेक्टर डॉक्टर प्रीतम भटगावे, मेडिकल सुपरिंटेंडेंट डॉक्टर मैथिली पीताम्बरे, जनसंपर्क अधिकारी श्री तुषार शेलके, हॉस्पिटल स्टाफ मंदा थोरात, नजमा साइद, राकेश वागडे, तुषार कुटे, श्रद्धा कोते, सुनील निकम आदि उपस्थित थे। इसके पश्चात श्री साईं बाबा संस्थान के मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री गोरक्ष गाडिलकर ने श्री राजीव मलिक व श्रीमती सीमा मलिक को बाबा की शॉल उड़ाकर फूल प्रसाद देकर सम्मानित किया। पूर्व में भी माइलान लैबोरेटरीज द्वारा श्री साईं बाबा संस्थान द्वारा संचालित अस्पतालों में 1 करोड़ रुपए से भी अधिक कीमत की विभिन्न मशीनरी व एम्बुलेंस भेंट की है। श्री गोरक्ष गाडिलकर ने श्री साईं बाबा हॉस्पिटल, श्री साईनाथ हॉस्पिटल एवं श्री साईं बाबा संस्थान ट्रस्ट शिरडी की ओर से श्री राजीव मलिक, श्रीमती सीमा मलिक और माइलान लैबोरेटरीज को धन्यवाद किया व आभार प्रकट किया। उन्होंने कहा कि इन अत्याधुनिक मशीनों से अस्पताल में आने वाले रोगियों को लाभ पहुंचेगा। ज्ञात रहे 2 सप्ताह पूर्व ही मुंबई की श्रीमती तारा देवी फाउंडेशन के संचालक श्री आकाश गुप्ता ने 23,50,000 रुपए कीमत की 2 डायलिसिस मशीनें संस्थान को भेंट की थी। अय्यूब पठान, साईं लीला टाइम्स, शिरडी। कृपया साईं लीला टाइम्स के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। ओम साईं राम।